किसकी मां किसकी बहन सुरक्षित घर लौटेंगी। 2017 में 3,59,000 महिलाओं पर अत्याचार दर्ज हुए। क्या ये महिला विरोधी भाजपा ने किया है या पार्टी का झंडा देखकर महिलाओं की आवाज उठाने वाली मौका परस्त महिलाओं ने? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बलात्कारी प्रदेश रहा। ये वही झूठ और पाप का प्रदेश है जिसमें देश का सबसे गंदा समाज रहता है। तो महिलाओं को ही आगे आना होगा, घर का चूल्हा चौका छोड़कर मैदान में उतरना होगा। आज भाइयों नहीं माताओं बहनों से अपनी बात शुरू करूंगा। आज मैं देश की महिलाओं से बात करना चाहता हूं, माताओं बहनों को याद दिलाना चाहता हूं हाथरस उत्तर प्रदेश की घटना जिसमें एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और 14 दिन की असहनीय पीड़ा सहते हुए दम तोड़ दिया था। इससे भी शर्मनाक घटना उसकी मौत के बाद हुई। रात को 2 बजे बिना परिवार की सहमति के उसका शरीर जला दिया गया। इसी तरह जब 2012 में निर्भया जैसा कलंक देश पर लगा था उस समय पूरा देश एक था, विरोध हुआ, प्रधानमंत्री के घर पर चूड़ियां फेंकी गई। पर आज 2017 में उन्नाव रेप केस हुआ, देश की महिलाएं खामोश रही। 2018 में कठुआ में मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, देश की महिलाएं खामोश रही। 2019 में हैदराबाद में रेप के बाद बेकसूर लड़की को जला दिया गया, देश की महिलाएं खामोश रही। महिलाओं पर हुए अत्याचार पर सरकार का झंडा देखकर विरोध करने वाली महिलाओं और सरकार की गुंडागर्दी से डरने वाली महिलाओं की कायर खामोशी का खामियाजा देश को अपनी इज्जत गंवा कर चुकानी पड़ी। दुनिया भर में महिलाओं पर होने वाले सेक्सुअल क्राइम पर सर्वे करने वाली थॉमस रूटर्स ने 2018 में भारत देश को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में लिस्ट किया। ये कमाई कर रही है देश की महिलाएं, ये सहयोग दे रही है देश का गौरव बढ़ाने में। जब जब महिलाओं के प्रति अपराध हुए, अत्याचार हुए, पूरे समाज ने आवाज उठाई। लेकिन आज जब समाज पर अत्याचार हो रहे हैं तो महिलाएं खामोश क्यों हैं? आज मैं देश की हर महिला से पूछना चाहता हूं कि क्या हो गया आपकी आत्मा को, कहां दब गई आपकी ममता, क्यों मुंह छुपाकर बैठी है झांसी रानी की वंशज बेटियां? आज भारत में हर रोज 88 बलात्कार हो रहे हैं, हर रोज 88। क्या यह संख्या आपको कम लगती है? क्या 88 महिलाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या आपकी नजरों में इनके शरीर पर लगे घावों का कोई मोल नहीं है? इनकी चीखों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? भारत की वो नारी जो अपने बेटे को पीठ पर बांधकर अत्याचारियों के बीच कूदी थी, क्या वो लक्ष्मीबाई का खून पानी हो गया? क्या मर्दानी अब समाप्त हो गई है? क्या भारत की वो नारी जो देश का आधार कहलाती है वो डरपोक हो गई है, या देश की नारी को किसी जंजीर ने जकड़ लिया? अगर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ महिलाएं नहीं बोलेंगी तो फिर किसकी बेटी बचेगी, किसकी मां किसकी बहन सुरक्षित घर लौटेगी? आपको बताना चाहता हूं, नफरत की पैदाइश इस भाजपा के राज में महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह भाजपा की विचारधारा है जिसमें महिलाओं को केवल जरूरत का सामान समझा जाता है। आंकड़े देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए आपराधिक मामले भाजपा राज में किस कदर बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में 3,59,000 महिलाओं पर अत्याचार दर्ज हुए, 2018 में 3,78,000 महिलाओं के साथ अपराध हुए, 2019 में यह आंकड़ा यह संख्या 4,00,000 हो गई। क्या इनमें से कोई बेटी कोई बहन जिसके कपड़े फाड़े गए, जिसको मारा गया, वो आपके घर की होगी? तभी आप विरोध करने के लिए उतरेंगे, तभी आपका आपको दर्द होगा। 4,00,000 महिलाएं अपनी इज्जत नहीं बचा पाई क्योंकि अपराधियों में महिलाओं के नाम का खौफ नहीं है, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है। और ये खौफ और सम्मान कहां से आएगा? खुद महिलाओं को एक सबक सिखाने होंगे। सुनते हुए शर्म आती है कि 2018 में भारत को महिलाओं के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में खड़ा कर दिया गया। क्या ये महिला विरोधी भाजपा ने किया है या पार्टी का झंडा देखकर महिलाओं की आवाज उठाने वाली मौका परस्त महिलाओं ने? एक और पहलू देखिए, अपने समाज का
2019 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बलात्कारी प्रदेश रहा। यहां महिलाओं पर 59,853 केस दर्ज हुए। इनमें उन्नाव की दो बेटियां, जिनमें से एक विधायक कुलदीप सेंगर की शिकार हुई तो दूसरी को सुबह 5 बजे जिंदा जला दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस में 2 शर्मनाक घटनाएं हुई, जिसमें एक दलित बेटी को आधी रात को बिना घर वालों को बताए उनकी मर्जी के खिलाफ आधी रात को जला दिया गया। और कुछ दिन पहले ही बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले पिता की हत्या कर दी गई। ये वही धार्मिक प्रदेश है जिसमें श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा है। ये वही हिंदुत्व का ढोल बजाने वाला प्रदेश है जिसमें गंगा का संगम है। ये वही झूठ और पाप का प्रदेश है जिसमें देश का सबसे गंदा समाज रहता है। और उससे भी शर्मिंदगी है कि इसी प्रदेश में सबसे कमजोर महिला रहती हैं, जिनमें अपनी ही बेटियों की इज्जत बचाने का और अपराध को रोकने की हिम्मत नहीं है। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, अगर अपनी रक्षा के लिए खुद खड़ी नहीं हुई तो आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अपने हक के लिए आप आगे नहीं आई तो आपको हक देने कोई नहीं आएगा। अपने सम्मान के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो आपको सम्मान देने कोई नहीं आएगा। ये देश भाजपा राज का है। यहां महिलाओं को सिर्फ चूड़ियां फेंकवाने के लिए रखा जाता है, सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए महिलाओं का उपयोग किया जाता है। वास्तव में भाजपा सिर्फ एक दमनकारी पार्टी है जिसमें न महिलाओं को सम्मान मिलता है न देश के आम नागरिक को। अब अगर देश में महिलाओं का सम्मान बचाना है तो महिलाओं को ही आगे आना होगा, घर का चूल्हा चौका छोड़कर मैदान में उतरना होगा। सुधार की शुरुआत अपने ही घर से करनी होगी। आपका पिता, आपका भाई या आपका पति कोई भी हो, दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, यदि महिलाओं के प्रति अपशब्द बोले, अपमानजनक हरकत करे, महिलाओं पर हाथ उठाए तो सबसे पहले आपको घर के ही पुरुष को सुधारना होगा। अपने बच्चों को कठोरता से शिक्षा देनी होगी। वो अपनी बहनों और बाकी महिला की इज्जत करें, उनसे आदर से बात करें। यदि सासू मां ने बहू के सम्मान की रक्षा कर ली, ननद ने भाभी का अपमान होने से बचा लिया, देवरानी ने जेठानी का सम्मान बचा लिया तो आपके ऊपर होने वाला अत्याचार खुद ब खुद रुक जाएगा। और अगर इसके बाद भी कोई पुरुष नारी का सम्मान ना करे तो उसको अपने घर से निकाल दें या उस घर से खुद निकल जाए जहां महिलाओं को सम्मान ना होता। यदि किसी घर में महिलाओं पर अत्याचार होते हों, उन घरों में अपनी बेटियों का रिश्ता ना करें, उनका सामाजिक बहिष्कार करें। इस तरह सजा दोनों शुरू कीजिए, वरना महिलाओं का सम्मान बचा नहीं पाएंगे। जय भगवान।